प्यारे बच्चों, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, हमारी नई रचना शुरू हो गई है जिसका शीर्षक है आखिरी चट्टान, जिसके रचनाकार है मोहन राकेश। तो सबसे पहले आप अपनी किताब खोलेगा, उसमें पेज नंबर 81 देखिए। कहने का मतलब है किताब का पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो पाठ का नाम आप ध्यान रखिएगा। आखिरी चट्टान पाठ खोलेगा जिसके रचनाकार है मोहन राकेश। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, उसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख कृतियाँ, तत्पश्चात पाठ परिचय। तो अपनी किताब में ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको किताब के माध्यम से जीवन परिचय पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में आपको लिखवाया जाएगा। मोहन राकेश रचनाकार है। जन्म और मृत्यु बेटा ऊपर ऊपर दे रखा है। 1925 ईस्वी में जन्म हुआ और 1972 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु। जीवन परिचय में सबसे पहले लिया गया है नई कहानी आंदोलन के सशक्त, सशक्त का मतलब श्रेष्ठ। हस्ताक्षर जानी मानी हस्ती मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925। देखिए 8 जनवरी 1925 अमृतसर पंजाब में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन क्या होता है, जीवन चलाना, ठीक है, जीवन को खेना। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। जीविकोपार्जन इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, जीवन को चलाना, रोजी रोटी का जो रोजगार है जिससे हम पेट भर सकते हैं, दो पैसा आता है, उसको जीविकोपार्जन कहते हैं। संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, जीविका धन उपार्जन। जीविकोपार्जन का संधि विच्छेद क्या हुआ, जीविका प्लस उपार्जन। देखिए ये आ है कौन सी संधि में, और आगे क्या है, उ, आ और उ क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। और ये ओ किस में गया, कै में, कै आपको दिख रहा होगा क्या बन गया, को बन गया। कौन सी संधि बन गई, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। परिभाषा क्या होती है इसकी, यदि पदांत में ए आ के बाद कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब ई ई उ उ और री आता है, तो क्रम से उनके स्थान पर ए ओ आर हो जाता है। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। इस प्रसंग में, इसी सिलसिले में, इसी क्रम में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में भी रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका, उस पत्रिका का नाम था सारिका। कौन सी पत्रिका, सारिका पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। जिस प्रकार से मावी प्रसाद वेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था 1903 से 1920 तक, उसी प्रकार मोहन राकेश जी ने कुछ समय तक सारिका पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था, संपादन किया था। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में क्या किया था, पुरस्कृत किया था। पुरस्कृत का मतलब होता है सम्मानित, एक सम्मान प्राप्त हुआ था इनको 1968 में। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका ऐसमय, यानी समय से पहले ही क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। अब हम इसको बाकायदा लिखित रूप में इसको हम समझेंगे, अपनी जो होमवर्क की जो नोटबुक है, ठीक है, हिंदी की, उसमें आप सुंदर सुंदर साफ साफ शब्दों के माध्यम से आप लिखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी कवि का, किसी भी लेखक का जीवन परिचय तैयार कैसे करते हैं। उसमें भी आपको बाकायदा प्रत्येक कवि या लेखक का जीवन परिचय आपको पहले बताया जा चुका है, इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे।
लेखक मोहन राकेश का जीवन है परिचय। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है, पहला पॉइंट लिया है जन्म का, ठीक है। उसके बाद में जन्म स्थान है, तत्पश्चात है प्रमुख रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और मृत्यु, लास्ट पॉइंट। लेखक मोहन राकेश का जन्म जनवरी 1925 को हुआ। कब हुआ? 8 जनवरी 1925। जन्म स्थान लेखक मोहन राकेश का जन्म अमृतसर, पंजाब में हुआ। तो तीसरा पॉइंट है रचनाएं। लेखक मोहन राकेश की प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, राजहंस, आषाढ़ के दिन, क्वार्टर, वारिस तथा अन्य कहानियां आदि। देखिए जहाँ तक इसको समझेंगे, पहले जन्म हुआ था लेखक मोहन राकेश का, जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। रचनाएं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, राजहंस, आषाढ़ के दिन, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां। नेक्स्ट पॉइंट है काव्यगत विशेषताएं। लेखक मोहन राकेश ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी, योग भी किया है, साथ ही सरल भाषा में या सरस भाषा में
यात्रा संस्मरण का किया है। लास्ट पॉइंट है मृत्यु। लेखक मोहन राकेश दिसंबर 1972 को हुई। तो बेटा इस प्रकार से आपने इसका जीवन परिचय लिखा है। सबसे पहले आपने जन्म लिया, जन्म में आपने लिखा कि मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। दूसरा बिंदु आपने लिया जन्म स्थान का, जन्म स्थान में आपने लिखा कि अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं, बाकायदा आप प्रत्येक रचना जिस प्रकार से किताब में है उस प्रकार से लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट था काव्यगत विशेषताएं, जिसमें सरल सरस भाषा खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से यात्रा वृत्तांत का एक चित्रांकन खींचा है। उसके बाद मृत्यु यानी इनका असमय निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। आगे अपने किताब में देखिएगा पाठ परिचय। देखिए पाठ परिचय में आप बहुत अच्छे से समझिएगा पाठ, क्योंकि यात्रा वृत्तांत है, यात्रा संस्मरण है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा संस्मरण होता क्या है? कोई भी रचनाकार जब किसी यात्रा, किसी भी जगह की यात्रा पर जाता है तो वहाँ जो भी देखता है उसको मन रूपी कैमरे में कैद करता है। मन रूपी कैमरे में कैद कर उसे मूल स्थान पर जैसे वह लौटता है एक लेखनी के माध्यम से उसको शब्दबद्ध करता है। उस यात्रा वृत्तांत को जो भी उसने देखा है, जो भी उसने मन रूपी कैमरे में कैद किया था, शब्दों में बांधता है, लिख देता है, वही क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि आखिरी चट्टान कैसी रचना है? आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है, यात्रा संस्मरण रचना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये शीर्षक है आखिरी चट्टान। देखिए मोहन राकेश जी गोवा से कन्याकुमारी की यात्रा पर गए। गोवा से कन्याकुमारी की यात्रा पर उसने क्या देखा, क्योंकि ये समुद्री भाग था, ठीक है, इसके चारों ओर समुद्री समुद्र था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर जो भी है, तो उसने जो भी उसने देखा है यात्रा के समय वो शब्दबद्ध किया है एक रचना के माध्यम से। क्या क्या देखा है वो आपको पढ़ाते समय बताएंगे किस प्रकार से। तो ये आखिरी चट्टान कैसी रचना बन गई, यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण रचना बन गई। अपनी किताब देखिए पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक, एक सुंदर, रोचक का मतलब क्या होता है, सुंदर यात्रा संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों के आधार पर, स्मृतियों के सारे जो लेख बनता है, लेख तैयार होता है, लेख लिखा जाता है, वो कहलाता है संस्मरण। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच यानी लगभग 3-4 महीने ये यात्रा पर गए थे। मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म यानी महीन बारीक समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का क्या बन गई, उदाहरण बन गई। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं, बदलने लगते हैं। रूपांतरित का मतलब होता है बदलना, चेंज होना। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही महीनता से, बहुत ही करीब से इस पाठ की अनुपम क्या है, सुंदर बहुत ही विशेषता है। देखिए इसमें मेन तो यही, कन्याकुमारी सूर्यास्त और सूर्योदय की क्या कही जाती है, भूमि, कि कन्याकुमारी में सूर्यास्त और सूर्योदय भी बहुत ही सुंदर ढंग से देखा जा सकता है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का क्या खींचा हो, चित्रांकन किया हो, यानी चित्र खींचा हो, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको जीवन परिचय पाठ परिचय बता दिया गया है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद आखिरी चट्टान रचना शुरू होती है बाकायदा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।